केंद्र शासन का जो आज बजट निर्मला सीतारमण जी हमारी बहन ने सादर किया, वह बजट लोगों के आंखों में धूल फेंकने वाला बजट है। यह बजट में कोई भी देश के लोगों के प्रति आस्था नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के लोगों को मोदी की गारंटी करके बोलते हैं मोदी जी, लेकिन मोदी की गारंटी किस हिस्से में है? ना 15 लाख में भी मोदी की गारंटी थी, ना काला पैसा लाने में मोदी की गारंटी थी, ना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में धान्य देते हैं। इसका मतलब ही है कि अभी तक लोगों की गरीबी हटी नहीं है, लोगों को मुफ्त में खाना देना पड़ता है, मुफ्त में दर्शन देना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि 25 करोड़ हमारे कुटुंब अभी भी, ये जो हम गरीब के लिए अनाज देते हैं केंद्र सरकार, उसी के ऊपर जीवित है। और इसका कारण है कि देश में ज्यादा रोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, और जो हमारी महिला भगिनी है उनके आंखों में आज आंसू है कि महंगाई इतनी बड़ी है कि महंगाई में अगर वो 500 रुपए अपने किस्से में डाल के, पर्स में डाल के मार्केट में जाते हैं तो उसमें से 5 रुपए भी बचा के ला नहीं सकते हैं। फिर वो महंगाई जो दूध की होगी, जो अनाज की होगी, जो चावल की होगी, दाल की होगी, ये सारी जो महंगाई है वह अभी भी महिलाओं को रुलाती है। ये ना महिलाओं के लिए बजट है, ना ये कुटुंब के लिए बजट है। वसुधैव कुटुंबम कहते हैं, लेकिन कुटुंब के लिए ये बजट नहीं है। यह बजट अगला जो आने वाला चुनाव है वो चुनाव को सामने रख के मोदी जी ने पेश किया है, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये अभी सबको विश्वास हो गया है। मोदी जी ने हर इंसान को 15 लाख रुपया और जो आयुर्मा की जो उन्होंने पॉलिसी 5 लाख की रखी थी, 20 लाख का कर्जा हर इंसान का मोदी जी के सर पे है। और मोदी जी जब तक वो पूरा नहीं करते हैं तब तक इनका बजट नहीं पूरा होता है। ये बजट जो दिखाया है वह धूलफेंक है, लोगों के आंखों के सामने खाली नजारा दिखाया चुनाव के लिए। बाकी इसमें कोई भी लोगों के अच्छे के लिए बजट में कोई चीज नहीं है। ये बजट का मैं धिक्कार करता हूँ। तो ऐसा आपको लगता है कि पूंजीपतियों के फेवर का ये बजट है? पूंजीपतियों के लिए ही बजट निकाला है। जो मोदी जी बोलते हैं कि हमने जनधन योजना से पैसा दिया है, पहले जो जनधन योजना के खाते खुले उसमें जो 75,000 करोड़ रुपया आया था वो पूंजीपतियों के बैंक में गया है, पूंजीपतियों के लिए खर्चा किया है, वो गरीबों के लिए खर्चा नहीं किया है। और चुने गिने जो पूंजीपति है उनको ही कर्जा मिलता है। आम आदमी के लिए मोदी जी ने आज तक इस देश के अंदर ये बजट के अंदर कुछ किया नहीं है, और सारी योजनाएं इनकी फेल हो रही है। केंद्र सरकार ने सादर केलेलं बजेट हे अतिशय निराशाजनक बजेट आहे, आणि 2014 पासून ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या घोषणांवर पाणी फिरवणारं हे बजेट आहे। केंद्र सरकार स्वतःच कबूल करते की 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप करतात। या देशातील लोकसंख्या 140 कोटी, 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप म्हणजे 25 कोटी कुटुंबांना ते मोफत धान्य वाटप करतात, म्हणजे 25 कोटी कुटुंब आजही दारिद्र्य रेषेखाली आहेत। 80 कोटी लोकांना केंद्र सरकार धान्य मोफत धान्य वाटप करून त्यांना पोसत आहे, याचा अर्थच असा आहे की या देशामध्ये अजूनही गरिबी हटलेली नाही आणि लोकांच्या हाताला काम नाही। ह्या बजेटमध्ये बेरोजगारांसाठी कुठली तरतूद केलेली नाही, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही तरतूद केलेली नाही, महिलांसाठी कुठलीही तरतूद केलेली नाही। मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत, उज्ज्वला गॅसच्या असतील, अन्य घोषणा असतील, पण ह्या सगळ्या घोषणांच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही तरतुदी केलेल्या नाहीत। 15 लाख देतो म्हणून सांगितलं होतं खिशामध्ये, काळा पैसा आणणार म्हणून सांगितलं होतं, आणि आता 5 लाख रुपयांची विम्याची योजना केली,
म्हणजे आता प्रत्येकाचं कर्ज ह्या देशातल्या प्रत्येक माणसांचं 20 लाखाचं कर्ज हे केंद्र सरकारच्या डोक्यावर आहे. तेच अजून केंद्र सरकारने फेडलेलं नाही. जर केंद्र सरकार लोकांना काय देतं आणि लोकांकडून काय घेतं हे आपल्याला ह्या वाढलेल्या महागाईनं आपल्याला कळलेलं आहे. कारण मार्केटमध्ये आपण 500 रुपयाची नोट घेऊन गेल्यानंतर 5 रुपयेसुद्धा त्यातून परत येत नाही, तेव्हा महिलांना आपलं घरचं बजेट कसं चालवू याची चिंता झालेली आहे. आणि त्यामुळं निर्मला सीतारामन मॅडमनी कितीही म्हटलं की हे बजेट लोकांच्या फायद्यासाठी आणि गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी आहे, तरी हे बजेट देशातल्या जनतेची घोर निराशा करणार आहे. याच्यामध्ये कधी या बजेटमधून महागाई कमी झालेली नाही, याच्यामधून शेतकऱ्यांच्या हिताचं काही नाही, याच्यातून बेरोजगारांच्या हिताचं काही नाही, याच्यातून विद्यार्थ्यांच्या हिताचं काही नाही, आणि याच्यातून देशाच्या एक संरक्षणासाठी ज्या गोष्टी केल्या पाहिजेत त्याचाही कुठं उल्लेख नाही. मोदी फक्त ज्यावेळेला टी व्हीवर बोलतात त्यावेळेला फार मोठमोठ्या गप्पा मारतात, पण त्या गप्पातून लोकांचं पोट भरणार नाही, तर त्यांच्या हाताला काम पाहिजे, शेतकऱ्याच्या हाताला काम पाहिजे आणि बेरोजगाराच्या हाताला काम पाहिजे, महागाई कमी झाली पाहिजे. आणि ती रडणारी जी आमची बहीण आहे, आमची माता आहे, त्या भगिनीला ही महागाई आटोक्यात आणून त्यांना त्याचं खऱ्या अर्थानं समाधान केलं पाहिजे, ते ह्या बजेटमध्ये केलेलं नाही. त्याच्यामुळं केंद्र सरकारनं फक्त समोर निवडणुका ठेवून सादर केलेलं हे बजेट आहे. ह्या बजेटचा आम्ही धिक्कार करतो.